तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकली हैं, तो उसकी 2022 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एग्ज़ाम्स की आगे अपडेट पाने के लिए। और हम शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की। तो मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है इंटरनेट के माध्यम से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2019 की जो कट ऑफ है वो जनरल की 78, ओवरऑल कट ऑफ है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूँ ये, तो जनरल की 78 थी, ओबीसी की 75, एससी की 70 एंड एसटी की 65। तो ये 2019 की कट ऑफ है। और आप देख सकते हो जस्ट इसके नीचे 2018 की कट ऑफ है, वो है जनरल की 82, ओबीसी की 78, एससी की 75, एसटी की 72। यानी कि आप देख सकते हो जो 2018 की है उससे 4 नंबर कम है जनरल की। यानी कि 2018 में है 82 और 2019 में है 78। तो आप देख सकते हो अदर कैटेगरीज की भी कम हुई है। और बात कर लेते हैं 2020 की कट ऑफ की। तो 2020 की कट ऑफ है जनरल की 77 है, जो 2019 की कट ऑफ से, जो 2019 की कट ऑफ है उससे भी एक नंबर कम है। तो एससी की कट ऑफ में देख सकते हो आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक नंबर का डिफरेंस है। और बाकी अगर एससी की बात करें, तो 5 नंबर का डिफरेंस है। 2019 की कट ऑफ है वो एससी की 70 है, मगर आप 2020 की कट ऑफ देखोगे तो 75 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ी सी बढ़ी हुई है कि ओबीसी की 2 नंबर ज़्यादा है और एससी की 5 नंबर ज़्यादा है 2019 से 20 की बात करें तो। तो कुल मिला के जनरल की जो कट ऑफ है 2019 से 20 की वो एक नंबर और कम हुई है, बाकी ओबीसी, एससी एंड एसटी की कट ऑफ एक एक नंबर बढ़ी है। एससी की सबसे ज़्यादा बढ़ी है 75। तो बात कर लेते हैं हम इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होता है उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आता है एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड मेट्रिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये आपको पता ही होगा, जो हाई स्कूल के आपके मार्क्स हैं 10th लेवल के, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एप्लीकेंट्स मार्क्स विल बी राउंडेड ऑफ टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल, यानी कि 4 डेसिमल तक का आपका परसेंटेज देखा जाएगा। सिलेक्शन विल बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th एग्जामिनेशन। एडिशनली नो प्रेफरेंसेस विल बी गिवन टू पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर कुछ भी अदर आपको एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा इसमें। केवल 10th लेवल पर जो आपके मार्क्स हैं उस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ सेम मार्क्स, अगर किसी के सेम मार्क्स हैं तो जिस एप्लीकेंट की एज ज़्यादा है, एज हायर है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रोहन के और सोहन के दोनों के 70-70% हैं लेकिन रोहन की एज ज़्यादा है तो रोहन को प्रायोरिटी दी जाएगी, रोहन का सिलेक्शन होगा और सोहन का नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ उनकी एज भी सेम हुई और उनके मार्क्स भी सेम हुए तो ये आप देख सकते हो सबसे पहले उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एसटी फीमेल है तो एसटी फीमेल को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर एससी फीमेल है, ओबीसी फीमेल है, मोस्टली जो फीमेल हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है इसमें। और आप देख सकते हैं जो लास्ट में अनरिजर्व है यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर ऐसा केस है जिसमें सेम एज और वो है। तो बात कर लेते हैं 2022 की कट ऑफ की। तो गाइज मैंने ये काफ़ी एस्टिमेटेड डेटा कलेक्ट किया है। तो 2022 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 78, ओबीसी की 76, एससी की 74 एंड एसटी की 68। तो गाइस ये कट ऑफ काफ़ी मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ है और उम्मीद है कट ऑफ इसी के 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, जो प्रीवियस ईयर का हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर देखें। और बाकी कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए।